नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले सालों की बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन बनते हैं और अपकमिंग एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए कंपैरिजन बिटवीन वोमेन एंड मेन। ए कंपैरिजन बिटवीन वोमेन एंड मेन, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ताराबाई शिंदे। Who among the following is one of the authors of the book Philosophy of the Bomb? Philosophy of the Bomb किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। The book Ace Against Odds is an autobiography of Ace Against Odds, ये किनके आत्मजीवनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सानिया मिर्जा। Who is the author of the book An Era of Darkness, The British Empire in India? An Era of Darkness, The British Empire of in India, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है शशि थरूर। Who wrote the book Train to Pakistan? Train to Pakistan किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है खुशवंत सिंह। The book 20 Years Crisis is written by 20 Years Crisis, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है E.H. Carr। The Roots of Ancient India was written by The Roots of Ancient India ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है W.A. Fats Surface। The book Kargil Turning the Tide is written by Kargil Turning the Tide ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है महेंद्र पुरी। Who is the author of the book title The Sellout? The Sellout नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर है पॉल बीटी। The book आज़ाद बचपन की ओर is written by which author? आज़ाद बचपन की ओर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सिटीजन एंड सोसाइटी? सिटीजन एंड सोसाइटी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर है हमीद अंसारी। एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? एस अगेंस्ट ऑड्स किनके आत्मजीवनी है? तो सही आंसर है सानिया मिर्जा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सिलेक्शन डे? सिलेक्शन डे नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर है अरविंद अदिगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नंबर्स डू लाई? नंबर्स डू लाई ग्रंथ के लेखक कौन है? सही आंसर है आकाश चोपड़ा। The World Outside My Window is written by which author? किन लेखक ने The World Outside My Window ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। Which of the following is a book written by शशि थरूर? निम्नलिखित कौन सी ग्रंथ है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है An Era of Darkness। My Story is an autobiography of which famous cricketer? कौन सी प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मजीवनी है My Story? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माइकल क्लार्क। Six Machine I Don't Like Cricket I Love It is an autobiography of which famous batsman? Six Machine I Don't Like Cricket I Love It ये किस बैट्समैन की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका सही आंसर है क्रिस गेल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अब इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेइंग इट माई अवे। हु हैज़ रिटन द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट
हैप्पीनेस ग्रंथ की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय. हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एन अनस्वीटेबल बॉय? कौन है जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है एन अनस्वीटेबल बॉय नाम के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी करण जौहर. द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाई द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रफीक जकारिया. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोमांसिंग विथ लाइफ? रोमांसिंग विथ लाइफ ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देवानंद. हु रोट एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर. ए बुक एंटाइटल्ड द हिंदूज एन ऑल्टरनेटिव हिस्टोरी इज रिटन बाय द हिंदूज एन ऑल्टरनेटिव हिस्टोरी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेंडी डोनीजर. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय बी आर आम्बेडकर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बुद्धा और कार्ल मार्क्स. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया? नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी मार्क टोल्ली. द सोशल आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी वर फर्स्ट पुट फोर्थ इन? महात्मा गांधी जी का जो सोशल आइडियल्स था वो पहले किस ग्रंथ में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज नॉट रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस? निम्नलिखित कौन सी उपन्यास है जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा नहीं लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राइड एंड प्रेजुडाइस. द फेमस बुक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड हैज़ बीन रिटन बाई ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है एन आर नारायणा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडिंग मेंबर भी है. द बुक गुलिवर ट्रेवल्स वॉज रिटन बाई गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जोनाथन स्विफ्ट. हायर देन होप्स इज ए बायोग्राफी ऑफ? हायर देन होप्स ये किन की जीवनी है? तो सही आंसर है नेल्सन मैंडेला. एलिस इन वंडरलैंड द फेमस टीवी सीरियल एंड फिल्म इज बेस्ड ऑन ए बुक रिटन बाय बहुत प्रसिद्ध फिल्म एलिस इन वंडरलैंड जो ग्रंथ पर आधारित है उस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लुइस कैरल. द सेलिब्रेटेड नॉवेल द गॉडफादर वॉज ऑथर्ड बाई गॉडफादर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मारियो पुजो. विच बुक इज एंटाइटल्ड एज बाइबल ऑफ कम्युनिज्म? किन ग्रंथ को कम्युनिज्म का बाइबल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दस कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा है. हु रोड द बुक ए पैसेज टू इंडिया? ए पैसेज टू इंडिया ग्रंथ किन्होंने लिखा है? तो इसका सही आंसर है ई एम फॉस्टर. द बुक सैतानिक वर्सेस वॉज रिटन बाई सैतानिक वर्सेस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सलमान रश्दी. द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघनाथ देसाई. द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम इज ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग. व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी? एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मजीवनी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विंग्स ऑफ फायर. कार्ल मार्क्स बुक दस कैपिटल वॉज पब्लिश्ड इन कार्ल मार्क्स की किताब दस कैपिटल कब पब्लिश हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1867 1867 में. हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक एलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस
एलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के लेखक लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। द ऑटोबायोग्राफी लिविंग हिस्टोरी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, लिविंग हिस्टोरी नामक आत्मजीवनी का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है हिलरी क्लिंटन। द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट इज, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिल गेट्स। ना खत्म होने वाली कहानी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ना खत्म होने वाली कहानी इस आत्मजीवनी का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है वीपी सिंह। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी कविताओं के फादर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चौसर। द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज ओरिजिनली कंपोज इन, वंदे मातरम सॉन्ग कौन सी भाषा में कंपोज किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय वी एस नईपाल, निम्नलिखित कौन से किताब है जो कि वी एस नईपाल के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। द ऑथर ऑफ द बुक द एम्पायर ऑफ ऑल मेलाडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर फॉर विच 2011 पुलित्जर प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इज, द एम्पायर ऑफ ऑल मेलाडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर जिनको 2011 साल में पुलित्जर प्राइज मिला था इस ग्रंथ के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी सिद्धार्थ मुखर्जी। माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, माई लाइफ माई म्यूजिक इस ग्रंथ के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर जी। हु वॉज ऑथर ऑफ द फेमस वर्क ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। हु अमंग द फॉलोइंग गेव ए सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स एंटाइटल्ड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो मॉडरेट पॉलिटिक्स हुआ था उसके विषय में जो आर्टिकल लिखा था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इनके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द पोएम शुभ ही आज़ादी इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फैज़ अहमद फैज़। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मादाम कुरी इन हिंदी, मादाम कुरी के आत्मजीवनी को हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। द मुसलमान द हैंड रिटन डेली न्यूज़पेपर इन सर्कुलेशन सिंस 1927 इज पब्लिश्ड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, द मुसलमान जो पत्रिका है 1927 से प्रचलित है वो कहाँ से पब्लिश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई से। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया रिमेंबर्ड, इंडिया रिमेंबर्ड ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पामेला माउंट बैटन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ इन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी एल के आडवाणी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वीपी मेनन। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहुविवाह, बहुविवाह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हु रोट द बुक द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।